वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है और रिक्रूटमेंट्स आप असिस्टेंट हैबर पख्तूनख्वा डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर और ये एच जो पेपर है वर्जन है वो एच है। तो ये पेपर हुआ है 30/3/2022 को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाकी पार्ट्स जो हम सॉल्व करें तो उसका आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए, ये इसका फ़ायदा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डैश हैव अ कार्बन रिबन इन करेक्टर्स आर हैमर्ड्स ऑन टू द पेपर्स थ्रू द कार्बन रिबन जस्ट एज विद अ टाइप राइटर डैश इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स और बबल्स प्रिंटर और नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ डैश इज़ अ फास्ट एंड क्वाइट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और बोथ ए एंड बी और डी नॉन ऑफ द अबव। तो 2 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डैश कंटेन्स प्रोग्राम्स एंड डेटा आर रिटन एंड टू देम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। रैम है, सेकेंडरी स्टोरेज है, रोम्स है और कैची है। तो 3rd में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है रेंडम ओनली मेमोरी, ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डेटा मे बी टेकन्स फ्राम अ डैश अल्टर्स बाय द प्रोसेसिंग दैट देन टेक्स प्लेस एंड स्टोर बैक एंड टू मेमोरी, मेन मेमोरी, रैम, बोथ ए एंड बी, हार्ड ड्राइव। तो 4th में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है यानी मेन मेमोरी एंड रैम, बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगला MCQs हैं। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। निशान हैदर है, निशान इम्तियाज़ है, निशान पाकिस्तान और निशान सदारत। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है निशान पाकिस्तान, ये हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगला MCQs है। व्हेन डिड द ब्रिटिश कन्क्वेट सिंध, 1827, 35, 40 और 43 तो 43, 43। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, 1843। अगला MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ नो डिजर्ट, बलूचिस्तान, सिंध, हैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है खैबर पख्तूनख्वा। नेक्स्ट अगला MCQs है। ग्रीव एंड प्रोफेशन अगेंस्ट द ओल्ड ऑफ द बिल्डिंग, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द। तो इसमें हमारे पास 8 में जो करेक्ट ऑप्शन है एबंडेंस, यानी इसको ये यानी कसरत को कहते हैं। तो एबंडेंस भी हमारे पास कसरत, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगला MCQs है हमारे पास। द म्यूजियम इज़ करंटली द टेम्प्रेरी कस्टोडियन ऑफ सेवरल इंटरेस्टिंग व्हीकल्स, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड आर फ्रेज। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है 9th में वो है डिपेंडर, ये इसमें सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। मेनी पीपल्स आर लिमिटेड बाय फाइनेंशियल एंड फैमिलियल ऑब्लिगेशंस, हमदानी। तो चूज द वर्ड नियरेस्ट एंड मीनिंग्स टू द अंडरलाइन वर्ड्स, फॉरेन, फ्रेंडली और डोमेस्टिक और मैटरनल। तो इसमें हमारे पास घरेलू जो है उसके लिए 10th में आएगा हमारे पास सी ऑप्शन यानी डोमेस्टिक, सी हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ह्यूमन्स नेचर dictates that you will crave whatever you are denied. Choose the word nearest in meanings to the underlined word. Dictate अच्छा जी order और follow, right और refuse. तो इसका 11th में हमारे पास दोस्तों बनेगा यानी हुक्म के लिए हैं order. ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. आगे हैं क्वेश्चन नंबर 12. हैज़ फ्रेंड स्पोक haltingly Ab has deep upset in her. Choose the word opposite and meanings to the underlined word. Calculatingly और अच्छा जी लेजरलेसली और हास्टिंग. तो इसका मतलब यहाँ पर जो अपोजिट है इसका हाल्टिंगली, तो इसका बनेगा ये आहिस्ता आहिस्ता और ये तेज़ी के साथ हास्टिंगली. तो ये इसमें हमारे पास 12 में जो है और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. फॉर अदर्स द मॉरल इशू टू नन एग्जिस्टेंस आर एज रिलेटिवली इनकंसिक्वेंशियल होता है कंसिक्वेंशियल नताइज इनकंसिक्वेंशियल जो अहम हो कंसिक्वेंशियल. तो चूज़ द वर्ड अपोजिट एंड मीनिंग्स टू द अंडरलाइन वर्ड. सिग्निफिकेंट है, कॉमन है, ट्रिवियल है, नॉन. तो इसमें इसका जो अपोजिट बनेगा यानी गैर अहम का अहम बनेगा सिग्निफिकेंट. ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. अगला एमसीक्यूज है. आफ्टर गेटिंग मैरिड ही टर्न्स टू द हैंडपैक. टर्न टू बी हैंडपैक यानी जोरू का. हैंडपिक का मतलब होता है जोरू का ग़ुलाम, बीवी का ग़ुलाम. चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम्स. या लोग उसको मुरीद भी कहते हैं जो ज़्यादा बीवी का वो मानता है. प्रेजेंटेबल, इग्नोरेंट, अप्रेस्ड और ऑक्युपाइड. तो ये शादी के बाद वो ग़ुलाम बन जाता है एक तरह का, या बीवी का ज़्यादा वो सुनता है, मानता है उसका. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है यानी ये इसमें बनेगा हमारे पास सी जो है अप्रेस्ट. यहाँ पर ये अप्रेस्ट. सो ये हमारे पास इसमें बनेगा सी अप्रेस्ट मतलब मजलूम बन जाता है. सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. इससे पहले मैं ये जो अगला पेज है हमारे पास वो भी आपको बता देता हूँ. उसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है. उसका अगर आपको लिंक चाहिए 15 के बाद तो आप कमेंट करें, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह. बाकी पेपर भी हम कोशिश करेंगे वो भी सॉल्व करेंगे. तो अगर बाकी पार्ट्स का आपको जो है नोटिफिकेशन यूट्यूब पर चाहिए तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके. और वीडियो अगर अच्छी लगी है, थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.